सभी दर्शकों का स्वागत है। हज यात्रियों की सुविधा के लिए मनपा सज्ज। समीक्षा बैठक में एडिशनल कमिश्नर ने दी जानकारी। नागपुर हज यात्रा में जाने वाले भाविकों की सुविधा के लिए मनपा प्रशासन पूरी तरह सज्ज है और यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मनपा के अतिरिक्त आयुक्त अजीत शेख ने यह जानकारी हज हाउस में आयोजित समीक्षा बैठक में दी। बैठक में नगर सेवक दया शंकर निवासी गांधीबाग जोन के सहायक आयुक्त व हज यात्रियों की सुविधा के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी अशोक पाटिल, कार्यकारी अभियंता मनोज गणवीर, विद्युत विभाग के कार्यकारी अभियंता एएस मानकर, हनुमान नगर जोन के सहायक आयुक्त राजू भिवगड़े, स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुनील कामले, डॉक्टर सरिता कमदार, डॉक्टर विजय जोशी, हज कमेटी अध्यक्ष जुनेद खान, सचिव शेख बारी पटेल, सदस्य मोहम्मद गयासुद्दीन, हाफिज अख्तर अशरफी, सैयद अशफाक, तैयब रजवी, सैयद शहनाज अली, हाजी रहीम, मौलाना इरशाद, नजमा बेगम, फयाज अहमद सहित विविध विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। 3000 यात्री जाएंगे हज। विदर्भ सहित छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश से बढ़ती संख्या में हज यात्री नागपुर आते हैं। उनकी निवास की व्यवस्था हज हाउस में की जाती है। बैठक में बताया गया कि इस वर्ष लगभग 3000 मुस्लिम बंधव नागपुर होकर हज यात्रा को जाने वाले हैं। उनकी यात्रा के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत न हो, हज हाउस में रहते वक्त लगने वाले सारी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध हो, इसकी विशेष तैयारी में सुझाव भी दिए। हज हाउस परिसर में पीने का स्वच्छ पानी, स्वच्छता परिसर में, मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग की टीम, एम्बुलेंस, फायर विभाग की टीम सहित सभी विभागों के अधिकारियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश उन्होंने दिया। बैठक के बाद सभी ने हज हाउस परिसर का जायजा भी लिया। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।